गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मेरा नाम हसीना नदाफ है। मैं सिक्स और सेवेंथ बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। अब तक आप सभी घर में हैं, इस लॉकडाउन की वजह से घर पे मजे कर रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं, ज्यादातर पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बात है कि भाषा तो हम जल्दी सीखते हैं, कितने भी सारे नए नए भाषाएं ले लो, हम जल्दी ही सीख सकते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं, चीट करते हैं, या कहीं पर कोई गाना सुनते हैं या पिक्चर का डायलॉग सुनते हैं, तो इजी से हम उसे अपने मन में ठान लेते हैं। लेकिन जब हम उसे लिखना चाहते हैं तो हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जब बातचीत करते हैं तो किसी नियम का पालन नहीं, जैसे आपके मन में आ गया आप ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं उस तरह हम कहीं पर भी लिख नहीं सकते। अगर हमें लिखना है तो हमें कई सारे नियमों का पालन करना है। तो इसी पे आधारित आज हम छठी कक्षा के बच्चों में एक नया सा पाठ, पाठ के संरचित रेखा में, यानी संरचित यानी संरचित रेखाएं, रेखाएं यानी लाइन, रेखा जैसे हम निकालते हैं लाइन, संरचित यानी अपने आप से हमें यह रेखा निकालना है। तो यहां आप देख रहे हैं इतने सारे मैंने लाइन बना रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह क्या है। आप नहीं समझ रहे ये क्या लिखा है, ऐसा लाइन है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ जीरो है। तो जब भी हम इसे देखते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बारे में सोचना है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करके देखना। कई सारे बच्चे जब लिखते हैं कोई भाषा तो ऊपर लाइन डाल देते हैं, कभी कभी लाइन छोड़कर ऊपर लिखते हैं या लाइन छोड़ नीचे लिखते हैं, ये गलत बात है। अगर सही तरीके से हमें लिखना है तो इन सभी नियमों का हमें पालन करना। पहला लाइन हमने जो देखा है इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। जब आप हिंदी भाषा में कुछ लिखते हैं, थोड़े बच्चे कैसे लिखते हैं हिंदी भाषा में, पहले ऊपर लाइन बनाते हैं, बाद में नीचे अक्षर लिखते हैं। लेकिन यह गलत है, पहले हमें अक्षरों को लिखना है, अक्षरों को लिखने के बाद हमें ऊपर की ये जो रेखा डालनी है। और इस अलग अलग रेखाओं से हम अलग अलग अक्षर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऊपर की जो लाइन है हमने इसे क्या कहा, शिरोरेखा कहा। तो अब यहाँ पे रेखा एक, यहाँ पे जो लाइन हमने देखा है इसे हम पूर्ण विराम भी कह सकते हैं, कन्नड़ में हो इंग्लिश में हो हम एक डॉट देते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। लेकिन हिंदी में हमें एक छोटा सा रेखा बनाना है। तो आगे ये जो इसे जब हम ए अक्षर लिखते हैं या आई लिखते हैं उस समय इस रेखा का होना बहुत जरूरी है। देखो ए अक्षर बनाने के लिए हमने इस रेखा को भी ले लिया, इस रेखा को भी ले लिया, बचा हुआ कौन सा है, ऊपर की, तो इससे हमने एक अक्षर बनाया। तो उसके बाद यहाँ पे हमें अर्धचंद्र का दिख रहा है, तो इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। जब आप वो लिखते हैं, देखो यहाँ पे पहले हमें नहीं पता चलता है कि यह क्या है, लेकिन जब हमने यहाँ से इस रेखा को मिटा दिया तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया, अर्धचंद्र का। जब इसे हम और इस रेखा का उपयोग करते हैं तो यह देखो
देखिए यहाँ पे एक अक्षर बन गया। तो इस तरह एक एक अक्षर बनने के लिए हमें इन सभी नियमों का पालन करना है। जब हम सभी नियमों का पालन करते हैं तभी तो हमारी लिखाई भी अच्छी होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये क्या बन गए, ए व अ, ऐसे तो हम अलग अलग अक्षरों को लिखा है, लेकिन जब हम पूरे अक्षर लिखते हैं तो तब हमें यह पता चलता है कि लिखने के नियमों का पालन हमें क्यों करना चाहिए। और ये जो रेखाएं हमने लिखी है इन रेखाओं के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप उस टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आप इस टेक्स्ट बुक में उसे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डॉटेड लाइन दिए हैं, डॉट लाइन है, इसके ऊपर एक बार आप लिख सकते हैं, दूसरी लाइन में भी आप उसी प्रकार डॉटेड लाइन में लिख सकते हैं। तो इस तरह इन सभी नियमों का आपको करना। तो यहाँ पर इन रेखाओं के साथ आज हम हिंदी के मूल अक्षर यानी स्वर के अक्षरों को हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है। वैसे तो सभी स्वर के अक्षरों को जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप नर्सरी एलकेजी में जाते हैं तो कन्नड़ में आप सीख सकते हैं अ आ इ ई उ ऊ करके। लेकिन जब हिंदी में आते हैं बोलते वक्त आप सही समय से बोल सकते हैं, लेकिन लिखना है तो थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। जब हम बात बताते हैं तो दोनों सही होते हैं, लेकिन लिखते समय वही अक्षर दूसरे होते हैं और यही अक्षर दूसरे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्वर के इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। जब आप लिखते हैं तो अपने हाथ के ऊपर ध्यान रखना है और मुंह से आपको उच्चारण भी करना है। जैसे आप उच्चारण करते हैं तो उसी तरह लिखावट भी अच्छी होती है और वही अक्षर आपके दिमाग में रह सकता है। देखो अ आ ई ई, यहां पर तो दिखने में दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे यह छोटी ई है इसे हम बड़ी ई कहते हैं, इसके ऊपर एक मात्रा आने से यह बड़ी ई मानी जाती है। ऊ ये भी ऐसे है, दोनों सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। रू ए आई ओ औ अम आहा, यहां पर देखो ए, ये भी सही है, ए भी सही है। इस दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ बड़ी आई के लिए कन्नड़ में ए ए आई पढ़ते हैं, जब हम हिंदी सीखते हैं तो सिर्फ ए आई एक ही अक्षर आता है। और यहाँ पर भी ओ ओ औ नहीं, सिर्फ ओ औ, औ के लिए एक मात्रा, सॉरी ओ के लिए एक मात्रा, औ के लिए दो मात्रा है। अम के लिए सिर्फ एक बिंदु ऊपर, अम के लिए सिर्फ एक बिंदु ऊपर आनी है और अहा के लिए दो बिंदु होना जरूरी है। तो जब हम पढ़ते हैं आराम से अ आ ई उ ए ऐ ओ आ झट से बोल जाते हैं, लेकिन जब भी आप बोलते हैं तो उच्चारण के साथ अ धीरे से बोलना है, आ आपकी आवाज को आगे खींचना है, ई और नीचे ई, ऊपर आना है उ, रु ए आई।
आई, ओ आउ, आ आहा। इस तरह आपको इन अक्षरों को पढ़ते हुए लिखना है। ये अक्षर आप दिन में कितने बार भी लिखे आपको कम है, क्योंकि जितने बार हम लिखते हैं उतने ही अक्षर हमारे दिमाग में रहते हैं। तो इसी तरह जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करके हमें इन भाषा को सीखना है। वैसे तो पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, सब कहते हैं अरे हिंदी तो बहुत इजी है, आसानी से हम बात कर सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से आप बात कर सकते हैं लिखना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि अक्षर अलग अलग हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यह क्या है। कितने सारे बच्चे अगर आपको ओरली पूछेंगे तो झट से बिना कहीं पर भी एक मिस्टेक के सभी अक्षर सभी से बोलते हैं। जब उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए, जब उन्हें लिखने के लिए कहा जाए तो वहां पे वे अटक जाते हैं। इसीलिए इन अक्षरों को आपको बाहर नहीं करना है, आपको कंठ पर नहीं करना है, इन अक्षरों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखिए अ, अ के लिए सिर्फ हमने सिर्फ एक ही रेखा की जी, लेकिन आ के लिए दो रेखाएं हैं। दिखने में तो ये भी अ दिखता है, लेकिन जब उसे एक और मात्रा जुड़ जाती है तो वह क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसी तरह अक्षर तो दो अक्षर एक ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर होने से वह क्या बन जाते हैं, उन अक्षरों का रूप बदल जाता है। तो इसलिए आपको इन सभी नियमों का पालन करके लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो रेखाएं मैंने दिखाए हैं इन पाठ्य पुस्तक में आपको जितने बहुत सारे 10 पेज है यहाँ पे, तो इन 10 पेजों में रोज आप एक बार लिख सकते हैं और इसी अक्षरों को कम से कम एक दिन में 2 या 3 बार आप लिख कर ले आएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है कि यहाँ पर दिए गए स्वर के अक्षरों को 2 बार पढ़कर लिखिए। यहाँ पे जो अक्षर मैंने स्वर के अक्षरों को लिखा है, इन अक्षरों को 2 बार पढ़िए और उन्हें किसी भी पुस्तक में लिखिए। लेकिन जो भी असाइनमेंट हमने दिया है आपको वह लिखना है। जब आप स्कूल आते हैं तो कंपल्सरी सभी टीचर्स आपका होमवर्क या असाइनमेंट देखते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलते। वैसे तो अब आपके पास बहुत समय ही समय है, आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं, बहुत समय आप पा सकते हैं। इसलिए मैं यह कहती हूँ कि पूरे अक्षरों को ध्यान से पढ़कर आप लिखिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और समय बताया गया है, सिर्फ उसी समय में आप टीचर से यहाँ पे बात कर सकते हैं।